Hi everyone, good afternoon, and you all are most welcome. So guys, welcome to Literature Lovers, और आज आप टाइटल देख सकते हैं सभी पीजीटी और नहीं दोस्तों पीजीटी नहीं सिर्फ टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज टीजीटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है ये। मैं इन चारों ऑथर से कुछ क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच से भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे मीटर से। यानी कि दोस्तों ये चारों ऑथर्स जिनके आप पिक्चर देख रहे हैं, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर, इन चारों ऑथर्स को दोस्तों वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट होगा। और दोस्तों आज की क्लास में काफी संभावित प्रश्न होंगे कि जो आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। और मेरी अपकमिंग एक और क्लास होगी शाम को 7 बजे, 7 PM, उसे भी दोस्तों आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको इसके लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। और दोस्तों कोड होगा मेरा AKS राजवीर, ये जो मेरा नाम है यही दोस्तों कोड है फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर यूजी सीनेट एस्पिरेंट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPHESE एग्जाम, सो दोस्तों आप अन अकेडमी पर हमारे NTA यूजी सीनेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड यस, आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने UPHESE एग्जाम को के लिए, या फिर दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसरशिप सेट और गेट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये चार्जेस हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, साथ में दोस्तों 3 मंथ कोर्स भी अवेलेबल है, यानी 3 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये चार्जेस आपको पे करना होगा, AKS राजवीर कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी के कोर्स को लेने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग रेडी हैं, और क्योंकि आप सब लोग रेडी हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यस, सो दोस्तों ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ड्सवर्थ्स पोयम डेडिकेटेड टू द इल्डेस्ट सन ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज इज, इट्स रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट्स इडियट बॉय और टू HC 6 year old, वी आर 7। तो दोस्तों चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। यस, करेक्ट वन आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर करते चलिए दोस्तों। आज हम लोग फास्ट चलेंगे और लास्ट में दोस्तों सबसे जो इसके क्वेश्चन कुछ लास्ट में होंगे वो दोस्तों बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड। और हाईली एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। सो हार्टले कॉलरिज गाइड्स, यस, वर्ड्सवर्थ्स पोएम डेडिकेटेड टू इल्डेस्ट सन ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज इज, सो दोस्तों 2 HC 6 year old, क्योंकि दोस्तों हार्टले कॉलरिज यानी कि यही थे दोस्तों जो 6 year old थे बेसिकली, और सैमुअल टेलर कॉलरिज के सन। तो दोस्तों करेक्ट वन आंसर है 2 HC 6 year old, है ना। यस, नेक्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैज बीन डेडिकेटेड टू हूम बाय वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट जॉन, सदे और नन ऑफ दीज। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज डेडिकेटेड टू गाइड, यस, सो करेक्ट वन आंसर प्लीज करते चलिएगा। करेक्ट आंसर जल्दी से दोस्तों राइट कर दीजिए फटाफट करके। करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज रॉबर्ट जॉन दोस्तों, है ना। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किसको डेडिकेटेड है, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस डेडिकेटेड इसलिए नहीं हो सकती है दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज को, क्योंकि दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज से मुलाकात ही बाद में हुई थी, है ना गाइस। यस, जब इनसे मुलाकात ही बाद में हुई थी तो इनको कैसे डेडिकेटेड हो सकती है गाइस। यस, करेक्ट आंसर है इसके लिए दोस्तों रॉबर्ट जॉन, या सदे को नहीं डेडिकेटेड है, करेक्ट आंसर है बी रॉबर्ट जॉन। चेक कर सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग, वॉट फॉर्म इज असम्बल डिड माई स्प्रिट सील रिटन इन, सो दोस्तों ये कपलेट में है, बैलेट फॉर्म है, सेस्टीना है या सोनेट। असलम्बर डिड माई स्प्रिट सील, करेक्ट आंसर दोस्तों जल्दी से चूज करते चलिएगा वन बाई वन हरी अप करके, और क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा दोस्तों, कल के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो होंगे। और साथ में दोस्तों आपके लिए मैंने बताया था लास्ट में जो क्वेश्चन है इस
शेषन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यस सो जिसको पहले की क्लास देखना हो, इस वीडियो का बिलो डिस्क्रिप्शन जो है उसे चेक कीजिए, सारी क्लासेस हैं वहां पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों, इट्स अ बैलेट, स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। गॉट इट गाइड्स, स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। तो दोस्तों ये किसका वर्क है? बेसिकली वर्ड्सवर्थ का है। क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसे पैटर्न में लिखी हुई गाइड जो बैलेट वाला पैटर्न होता है गाइस। गॉट इट? यस। और आई कब थी दोस्तों? सो 1798 के टाइम पीरियड में ये आई थी गाइस। यस, लिरिकल बैलेट है ना। लेकिन पब्लिश जो हुई थी वो सेकेंड वाले लिरिकल बैलेट एडिशन की ये पोएम थी, यानी 1800। ये टाइम पीरियड कंपोजिशन का हो गया और ये टाइम पीरियड गाइस पब्लिकेशन का हो गया। सो डबल डेट है स्लम्बर डिड के लिए। अ पोएम डिस्क्राइब्ड बाई वर्ड्सवर्थ इन 1843 एज अ पिक्चर ऑफ माई डॉटर इज 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर, लंडन 1802, रुत और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड 3 year old। दोस्तों जल्दी से प्लीज चलते चलिएगा। या देखिए, अगर करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात है, करेक्ट और इनकरेक्ट होता है, तो उसमें कुछ परेशान होने जैसी बात नहीं है, ठीक है? चलने दीजिएगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत। गलत हो जाए तो भी परेशान नहीं होना, सही हो जाए तो भी ज्यादा खुश नहीं होना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3 years old चाइल्ड, 3 years old गाइज, ये वाली पोएम है जो 1843 के टाइम पीरियड में गाइज। एंड अ पिक्चर ऑफ माई डॉटर करके गाइज वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को डिस्क्राइब किया था। डी आंसर दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन देखें, वॉज वर्ड्सवर्थ अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड ग्रेजुएट ग्रेजुएटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1791, ग्रेजुएटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1791, नॉट अ ग्रेजुएट और हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स पोइट्री स्पेंड हिज लाइफ। गाइस कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं लिया वर्ड्सवर्थ ने, लाइक दिस। करेक्ट आंसर जल्दी बता दीजिए, हरी अप करके प्लीज। या करेक्ट वन आंसर, यस हरी अप, और हरी अप का मतलब होता है गाइस बिल्कुल हरी अप। यस हरी अप, करेक्ट वन आंसर करते चलें। यस सर, कितने टाइम तक का मैराथन है? अभी शुरू नहीं किया, कितने टाइम तक का? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। अ ग्रेजुएटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1791, ए बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही वाला है दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम वॉज कंपोज्ड बाई वर्ड्सवर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम वॉज कंपोज्ड बाई वर्ड्सवर्थ, पीटर बेल, या फिर दोस्तों देखिए पीटर बेल दी सेकेंड, पीटर बेल दी थर्ड, पीटर पैन। तो दोस्तों कौन सी वाली पोयम है जिसको वर्ड्स वत ने दोस्तों कंपोज किया था? प्लीज सभी लोग आंसर करते चलिएगा और आंसर कीजिएगा, करेक्ट वाला ही दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बेसिकली, है ना? सो करेक्ट वन आंसर दोस्तों प्लीज जल्दी से, आ गया है शायद आपका आंसर। ए दोस्तों करेक्ट आंसर है, पीटर बेल। पीटर बेल दोस्तों करेक्ट आंसर है ना? यस, पीटर बेल इज द करेक्ट वन आंसर। शेयर कर दीजिए वो अपना फोन। सो करेक्ट वन आंसर इज पीटर बेल। यस, पीटर बेल इज द करेक्ट वन आंसर। और पीटर बेल दी थर्ड ये दोस्तों किसकी है, ये सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट वन, द पोयम पीटर बेल इज डेडिकेटेड टू हूम बाई वर्ड्सवर्थ। दोस्तों जो पीटर बेल पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये किसको डेडिकेटेड है? जल्दी से दोस्तों प्लीज। यस, पीटर बेल डेडिकेटेड टू हूम बाई वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, सदे, ड्राइडन और कीट्स, किसको डेडिकेटेड है? चलते चलिए और बताते चलिएगा गाइड्स। यस दोस्तों, पीटर बेल दी थर्ड बाई शैली, याद रखिएगा पीटर बेल दी थर्ड बाई पीवी शैली। दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाए जल्दी से, किसको डेडिकेटेड है आंसर कर दीजिए। देखिए आपके लिए आइडियल टाइम है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, 30 सेकेंड आंसर जानने के लिए विद डिस्क्रिप्शन माइक वाले।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ जाएगा। सो प्लीज करेक्ट वन आंसर देखें। इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट सदे, गाइस, है ना। बेसिकली जो पीटर विल पोयम है ये रॉबर्ट सदे को डेडिकेटेड है। बी ऑप्शन सही है गाइस, बिल्कुल। सर बहुत घबराहट हो रही है। अरे कोई घबराने की बात नहीं अंजू, एग्जाम में आप बिल्कुल रॉक करके आएंगे, फोड़ देंगे एग्जाम को। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखे सभी लोग। विच पोयम इज पैरडी ऑफ द पोयम पीटर बेल? पीटर बेल द सेकेंड, पीटर पैन, पीटर बेल द थर्ड, और नन ऑफ दीज। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, वन बाई वन। कल सेकेंड शिफ्ट है इंग्लिश का एग्जाम। सभी लोग जैसे एग्जाम से वापस आएंगे, आने के बाद सभी लोग मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, और वैसे पेपर मिल जाएगा गाइज। या यस रितिका, ब्लैक टी शर्ट, ये नई टी शर्ट है। देखिए इसमें लिटरेचर लवर्स लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये ब्लैक टी शर्ट में इसमें मैंने लिटरेचर लवर्स लिखवा दिया। अब ये देखिए, अब वो अनअकैडमी वाली नहीं है, ये लिटरेचर लवर्स की है, आपकी टी शर्ट है ये, समझिए गाइस, है ना। जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए यही वाली टी शर्ट जाएगी, क्योंकि आप लिटरेचर लवर्स। गाइस करेक्ट आंसर है सी, पीटर बेल दी थर्ड। ये पैरडी है गाइस, यस, पैरडी मीन्स इमिटेशन। करेक्ट वन आंसर दोस्तों इसका, है ना। यस, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्स वर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन, गाइस? देखिए थॉमस ग्रे की एक सोनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में एनालाइज किया। ऑन डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, ऑन मिल्टन, ऑन शेक्सपियर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों इसके लिए क्या होगा, सभी लोग आंसर करते चलिएगा। बिल्कुल गाइज, सभी के लिए दोस्तों एक एक टी शर्ट रेडी है। रे बिल्कुल, आप लोगों का प्यार बड़ा है, बहुत बड़ा है दोस्तों आपका प्यार, रियली। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑन डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट। देखिए जो आपके टॉमस ग्रे थे ना, तो टॉमस ग्रे ने कई सारे वर्क लिखे। एक तो दोस्तों आप जानते होंगे, एक तो है इनका एलिजी वाला, एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, है ना। एक दोस्तों इन्होंने लिखा था, मतलब ये समझ लीजिए एक वर्क इनका है, कौन सा वाला, यस, डेथ ऑफ अ कैट गाइज बाई ड्रॉनिंग समथिंग लाइक दिस। एक इनकी और पोयम है, रिचार्ड वेस्ट वाली तो है ही गाइज, यस, आप सभी लोग जानते हैं। प्रोग्रेस ऑफ पोइजी करके इनका एक वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो थॉमस ग्रे एक ग्रेवयार्ड पोएट थे, ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है ना। यस करेक्ट वन आंसर, बिल्कुल। या नेक्स्ट वन देखें प्लीज। टिंटर्न एबी इज अ, दोस्तों देखिए टिंटर्न एबी, यहां पर ये क्वेश्चन है कि टिंटर्न एबी क्या है? क्या ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्या सोनेट है, एपिक पोयम है, सॉलिलोकी है? बेसिकली दोस्तों टिंटर्न एबी एक क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है गाइज। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यस, गॉट इट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, आपके एग्जाम में है तो बड़ा सरल क्वेश्चन, प्रीफेस कई बार देखिए कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। मेरी एक ट्रिक है, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो जो आंसर आपको पहले लगे, ए बी सी और डी से जो भी आंसर आपको पहले लगे उसी आंसर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपने सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया गाइस, काम हो गया आपका, है ना। यस, सो करेक्ट वन आंसर बिल्कुल यही वाला है करेक्ट आंसर, टिंटर्न एबी को लेकर के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इपिस्टीमोलॉजी? इपिस्टीमोलॉजी का क्या मतलब होता है दोस्तों, सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज। हाँ, कल वाले क्वेश्चन जो बचे थे 50 वो हैं, और साथ में दोस्तों मैंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिल्टन शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, इन तीनों को ऐड किया है, इन तीनों को ऐड किया है, और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, सारे पार्ट से दोस्तों आएगा, है ना। यस, सो दोस्तों करेक्ट वन आंसर इसके लिए देख लीजिए, ड्रामेटिक लिरिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए जिसने अभी लिखा है कि ड्रामेटिक लिरिक, दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिरिक का मतलब होता है कि जिसमें आपको सिंगल आइडिया थॉट मिल जाए। टिंटर्न एबी में आपको पर्सनल, इमोशनल और सिंगल आइडिया थॉट मिलता है, तो अगर ड्रामेटिक लिरिक भी आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें देखिए क्या आपके ऑप्शन में ड्रामेटिक लिरिक है, नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, लिरिक का मतलब ही वही होता है, ठीक। अ पोयम दैट कैन बी संग इन अकंपनीमेंट ऑफ अ लायर, जिसको हम गा सकें गाइस, दैट इज नोन एज लिरिक।
तो टिंटर ने भी एक लिरिक भी है, तो दोस्तों ये आंसर आपके लिए ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ व्हाट गाइस, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर गाइस, जहां से ओरिजिन हुआ है बेसिकली। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ पोएम द सॉलिटरी रीपर्स। दोस्तों ये ब्लैंक वर्ड्स में है, लिरिकल बैलेड है, ये एपिक पोएम है या इनमें से कोई नहीं है गाइस। यस, जो जिस फॉर्म में लिखी हुई है सॉलिटरी रीपर उसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। सॉलिटरी रिपर इज अ, यस सॉलिटरी रिपर इज अ गाइज, ये क्या है प्लीज देखिए। वैसे सॉलिटरी रिपर को लेकर के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आते हैं, है ना, सॉलिटरी रिपर को लेकर के। बेसिकली दोस्तों सॉलिटरी रिपर इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, देखिए मैं कहता हूं कि दोस्तों ये एक लिरिक प्लस बैलेट का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है गाइज। Got it? Yes. It's a combination of lyric and ballad. अब दोस्तों बात क्या आती है? कोई कहेगा कि सर आयोग ने lyric माना है, है ना? या फिर कोई कह सकता है कि नहीं सर ये ballad नहीं है। देखिए जो मेरी best of best knowledge है, वो मैंने आपको बता दिया guys. It's a kind of lyric and a ballad as well. Got it guys? बिल्कुल। So दोस्तों आपके लिए next one question है, When was lyrical ballads second edition published? दोस्तों आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार यूजीसी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी केवीएस एनवीएस, सो दोस्तों इन एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही दोस्तों देखिए आपके लिए बात आए सेकेंड एडिशन, आपका आंसर वही होगा। अगर दोस्तों प्रीफेस की बात आ जाए, प्रीफेस तो प्रीफेस की भी दोस्तों बात आ जाए, तो प्रीफेस और सेकेंड एडिशन एक ही है, सेम प्रीफेस या फिर सेकेंड एडिशन दोस्तों सेम माना जाएगा। 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, या फिर दोस्तों ये लिरिकल है प्लीज, एक एल है, ज्यादा डबल एल नहीं है, या फिर सेकेंड एडिशन गाइस कहा जाए, यस, या फिर पोएटिक डिक्शन जहां पर दिया वर्ड्सवर्थ ने, वो भी दोस्तों 1800 वाला ही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि पहली बार, देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये, द फर्स्ट यू नो फर्स्ट टाइम पोएटिक डिक्शन अपीयर्ड इन विच वर्जन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लिरिकल बैलेट। फर्स्ट टाइम अगर आ जाए तब भी दोस्तों, फर्स्ट टाइम पब्लिश जब हुआ लिरिकल बैलेट तो वो 98, लेकिन अगर वहां पर पोएटिक डिक्शन या प्रीफेस की बात आ जाए तो दोस्तों 1800 ही होगा, बात याद रखिएगा प्लीज प्लीज। और अगर अपेंडिक्स की सही में बात करें तो फिर वो दोस्तों 1802 हो जाता है, यस डायरेक्टली अगर अपेंडिक्स की बात कर ले कि अपेंडिक्स कब एड किया गया था, आंसर ये वाला कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वैसे आंसर ये वाला कट कर देता हूं मैं नहीं मानता इस आंसर को। विच पोएट पोएट्स वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एडमायर। दोस्तों यहां पर कॉलरिज है, पोप है, शेक्सपियर है, जॉन कीट्स है, आप सभी लोग आंसर कर दीजिए प्लीज, यस हाँ, या मीना देवी ऑथर के नाम वाला भी यही है, बिल्कुल ऑथर के नाम वाला भी यही है, याद रखिएगा सभी लोग। और कल मेरी एक और बात हो रही थी, अमेरिका में कब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ, तो देखिए अमेरिका वाली बात मैं बताऊं आपको कि जब 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ तो अमेरिका में कुछ लोगों को पता था। Then guys, 1800 वाला जो आया तब भी कुछ लोगों को अमेरिका में पता था, लेकिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया प्लेस में गाइस जो मैंने पाया ऑथेंटिक जानकारी वो 1802 है। जितने भी पेड स्टूडेंट्स थे मुझे लगता है वहां पर 1798 मैंने दे दिया था, तो दोस्तों ये मुझे लगता है 1802 का ही टाइम पीरियड था जब फिलाडेल्फिया अमरीका में पब्लिश हुआ था दोस्तों आपका लिरिकल बैलेट। सो दोस्तों देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, Commonly known as daffodils, rose, या फिर lotus, या फिर tree. इसका दोस्तों आंसर Alexander Pope ही है। Alexander Pope को कभी admire नहीं किया। Alexander Pope को कभी भी admire नहीं किया William Wordsworth ने। Got it? Yes, कभी admire नहीं किया। ये पसंद भी नहीं थे इनको। Next one. तो दोस्तों इसका देखिए आंसर बहुत easy है। Daffodil है। लेकिन exam में जाने से पहले, please.
एक बार इस पोयम को जरूर पढ़ लीजिएगा। लाइंस आपके एग्जाम में आ सकती हैं, टाइटल आपके एग्जाम में आ सकता है, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, है ना। यस, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है डेफोडिल पोयम से। तो डेफोडिल टिंडर ने भी दो ऐसी पोयम्स है जिनको पढ़े बिना ना जाए, लिरिकल बैलेट्स को पढ़े बिना ना जाए विलियम वर्ड्सवर्थ के, है ना। थोड़ा सा लिरिकल बैलेट के बारे में जरूर जान के चाहिए। इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेसिंग जॉन मिल्टन? लंडन 1802, ग्रीक 1804, डेफोडिल्स या फिर नन ऑफ दीज? सभी लोग प्लीज करेक्ट वन आंसर, करेक्ट वन आंसर दोस्तों ये वाला है। देखिए ए लंडन 1802, इसमें कुछ भी परेशान होने जैसा नहीं है, बिल्कुल सही आंसर था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस वेयर ही मेट फ्रेंच वुमेन एनिटी वॉलेन एंड फादर्ड डॉटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर गाइस? डोरोथी, कैरलिन, मैरी और नन ऑफ दीज? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपको इसका भी पता है, और ये रहा देखिए आपका करेक्ट वाला आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट है गाइस, कैरोलिन इज द आंसर। गॉट इट? यस, कैरोलिन। सो दिस इज करेक्ट वन आंसर, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है और आपने देख भी लिया, आपने जान भी लिया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए इसके बाद देखिएगा, हु सेड दैट वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज इल्यूजन? तो दोस्तों किसने कहा था, कॉलरिज, कीट्स, सदे, अर्नोल्ड? हिज पोइट्री इज रियलिटी एंड हिज फिलोसफी इज इल्यूजन। सभी लोग दोस्तों आंसर कर दीजिए फटाफट करके, जल्दी जल्दी करते जाओ आंसर, करते जाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है गाइज आपका आंसर करते रहना। यस, और जितनी जल्दी आपने आंसर किया उतनी ही जल्दी गाइज मजेदार चीज आपके लिए होगी। देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड। वैसे मैं आपको बता दूं, मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ की बहुत ही प्रेज की है, मेमोरियल वर्सेस इनको डेडिकेट करके लिखा गया इस मेमोरियल वर्सेस, है ना। आप सभी लोग जानते हैं 1850 में ट्रिब्यूट है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो रियलिटी है, लेकिन जो फिलोसफी है तो वो एक टाइप का गाइस भ्रम है और वो एक इल्यूजन है। करेक्ट आंसर दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, करेक्ट आंसर आपको मिल गया मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें गाइस, हु आर द लेक पोएट्स? वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कई बार है, आप जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर है सेकेंड वन, बिल्कुल जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे। लेकिन दोस्तों मैं इसके बारे में बस यही कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म आया था गाइज 1817 में, दिया किसने था गाइज? सो फ्रांसिस जेफरी ने दिया था गाइज। किस वर्क में? तो दोस्तों एक मैगजीन थी जिसका नाम था एडिनबर्ग रिव्यू, एडिनबर्ग रिव्यू गाइज, इस वाली मैगजीन में उन्होंने दिया था। और यहां पर दोस्तों एडिनबर्ग रिव्यू में लिखा क्या था, कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया का उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा था, वहां पर ही इन्हें टर्म दिया था लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। अब दोस्तों मुझे लगता है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस बात को, और अगर आप समझ चुके हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर और सही जवाब आपको मिल चुका है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट वन, हु रोट इडियट बॉय एंड व्हाट इज द थीम ऑफ इट गाइस? यस, हु रोट इडियट बॉय एंड व्हाट इज द थीम ऑफ इट? जल्दी से चलते चलिए और चल करके दोस्तों आपको आंसर करना है। आपका जो बिल्कुल दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक भी लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस में रहो और सही दोस्तों आप सारा काम सही होगा, बस अपने आप पर भरोसा रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आप चूज करेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। सो दोस्तों इसका देखिए जो करेक्ट वन आंसर है 70 वाले का, ये है करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल ए वर्ड्सवर्थ गाइज, इट शोज द इमोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वर्ड्सवर्थ एंड इमोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। दोस्तों इसका टाइटल पूछा जाता है इडियट बॉय, इडियट बॉय इज अ पोएम। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से चार आंसर हुआ करते हैं ना,
या तो देखिए विलियम शेक्सपियर या तो वर्ड्सवर्थ होगा या तो फिर दोस्तों उसमें से हो जाएगा मिल्टन और या फिर दोस्तों गार्ल्सवर्दी, है ना। जब पोयम की बात ज्यादातर आती है तो दोस्तों यहां पर आंसर मिल्टन और वर्ड्सवर्थ होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। कुछ संभावनाओं पर भी काम कीजिएगा, ये नहीं है ना, कुछ चीजों को जब क्वेश्चन का आंसर ना आए तो ऐसी संभावनाओं पर भी आप काम कर सकते हैं कि जैसे वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोयम लिखी है, गार्ल्सवर्दी ने भी लिखी है दोस्तों, और मिल्टन ने भी लिखी और विलियम शेक्सपियर ने भी लिखी, लेकिन विलियम शेक्सपियर को आप जानते हैं सोनेट ज्यादातर गाइस, है ना। यस, और लव और फिलोसफिकल सोनेट, टाइम से रिलेटेड सोनेट्स होनी चाहिए। इसके बारे में दोस्तों मैं जरूर आपको बताऊंगा। यस गाइस, देन सी हाउ मैनी सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अप्रोक्सीमेट गाइड। देखिए कितनी सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, ये 450 नंबर है या 510 है, 500 है या 480 है, लगभग कितनी सोनेट्स गाइज लिखा है, हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर अप्रोक्सीमेटली गाइज। यस, हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर बाई विलियम वर्ड्सवर्थ गाइज प्लीज। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिए, बाई विलियम वर्ड्सवर्थ दोस्तों प्लीज। करेक्ट आंसर देखिए इसका है, जो वैसे मैं आपको बता दूं इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर चूज करने की जरूरत होगी। अच्छा ऐसा क्यों, सबसे बड़ा नंबर ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के कि कितनी सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे। देखिए यहां पर जो दोस्तों आंसर है बेसिकली सी को मैं क्रॉस करता हूं ऐसे, और देखिए कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि 523, गॉट इट, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 523 सोनेट्स आर देयर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ पर, और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको ऐसा लिखा मिल जाता है 500+ आर देयर, ऐसे करके 500+ आर देयर, गॉट इट ना गाइस। यस, 500+ आर देयर ऐसा करके दोस्तों, ठीक, दो टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो नंबर ऑफ सोनेट कई जगह पर गई, जो नंबर ऑफ सोनेट आपको मिलता है तो ये, और ये दोस्तों यहां पर क्या है अप्रोक्सीमेट कीजिए, अप्रोक्सीमेट कितना लिखा है ऊपर नीचे चलेगा गाइस, है ना। यस गाइस, अरे ऑप्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्टर्ब कर दिया तो यार आप लोग मतलब लिखे चले जाते हो, इतना भी कम से कम सेंस नहीं लगाते कि ठीक है एक में लोगो आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर आपकी सीट के पीछे कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीन से बाहर चले जाते गुरुजी ज्यादा अच्छा होता। देखिए कितना डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए देख लीजिए, कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, मुझे भी पता होता अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होता तो मैं कट करके उसे ऊपर ले आता। सो गाइज, हाउ मेनी सोनेट्स की जब बात आती है तो देखिए यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि सी ऑप्शन ना सेलेक्ट कीजिए, आप बी कर सकते हैं 510, और दूसरी चीज अगर नंबर एग्जैक्टली पूछे तो मुझे जहां तक पता है 523 गाइज, है ना, 523 सोनेट्स मानी जाती है, लेकिन अप्रोक्स में अगर पूछ ले तो जो बड़ा नंबर इन बिटवीन इससे बड़ा हो गाइज, इससे नीचे का हो उसे आप चूज कर दीजिएगा आंसर में, ठीक है। यस गाइज, गॉट इट, अगर इससे नीचे का नंबर दे दे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली में, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली वाली जो बात होती है वो बहुत कम होती है आपके एग्जाम में संभावित वाली। William Wordsworth in his poem The Old Cumberland Beggar and the Leech Gatherer shows which kind of people. So दोस्तों businessman of England इन्होंने दिखाया है, ordinary people या फिर royal of England या फिर इनमें से कोई नहीं guys, ठीक है। यस, या 523 वो तो आप याद ही रखेंगे, मैंने आपको बता दिया वो तो आपको याद ही रखना है 523। अप्रॉक्स की बात आती है, अगर कुछ ऐसी टाइप की बात आती है तो वहां पर भी कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगे, और जरूर रखिएगा गाइज, अगर आपने ये रख लिया ये ख्याल तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जबरदस्त बात होगी आपके लिए। दोस्तों आंसर इसका देखें, जब भी देखिए वर्ड्सवर्थ की बात आती है तो एक चीज बड़ी सामने आ जाती है गाइज, देखिए वर्ड्सवर्थ कॉमन की बात करेंगे, कॉमन और कॉमन और कॉमन गाइज, कॉमन कॉमन एंड कॉमन, पोएट्री फॉर कॉमन मैन इन कॉमन लैंग्वेज हैविंग कॉमन सब्जेक्ट। अब दोस्तों यहां पर देखिए द ओल्ड कम्बलैंड बेगर, बेगर कौन होता है बेसिकली गाइज, है ना, बहुत ही ऑर्डिनरी पीपल गाइज, बहुत ही ऑर्डिनरी पीपल, है ना। तो
तो जो वर्ड्स होते हैं इनमें जो ज्यादातर दोस्तों आंसर, जिस आंसर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ज्यादातर, मैं ज्यादातर वाली बात कर रहा हूं आपसे, तो दोस्तों वो ज्यादातर आंसर ये ऑर्डिनरी या फिर लोअर क्लास या फिर कह दीजिए कॉमन, वो आंसर दोस्तों सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बात याद रखिएगा। अ वॉलेट बाई अ मॉजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम ओड टू ड्यूटी लूसी पोएम द ग्रीन लिनेट सॉलिटरी रीपर। दोस्तों चलिए सभी लोग आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपने सभी लोग आंसर सेलेक्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज, आप सबसे जबरदस्त इंसान होंगे। या हरी अप करके जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर सेलेक्ट कर लीजिए फटाफट करके, और चलते चलिए आगे की तरफ। दोस्तों इसका आंसर है बी, लूसी पोएम में दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है, अ वॉयलेट बाई अ मॉजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम आई गाइज। सो दिस इज द लाइन फ्रॉम वन ऑफ द लूसी पोएम, गॉट इट, वन ऑफ द लूसी पोएम से दोस्तों ये लाइन्स है, और जिनको आप वो तो नहीं कहेंगे कि किसने कंपोज किया, तो दोस्तों कंपोजिशन के लिए सिर्फ एक ही इंसान है, डब्ल्यू डब्ल्यू गाइस, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स मोस्टली डील विद पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, रेवोल्यूशन, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। देखिए मैंने आपको एक क्लू दिया था, गॉट इट, मैंने आपको क्लू दिया था, और बिल्कुल दोस्तों ये सही आंसर है आपके लिए, और सही आंसर चुनने के बाद नेक्स्ट है। देखिए आइए दोस्तों करेक्ट आंसर, देखिए मैंने आपको बताया था हम्बल, रस्टिक, कॉमन, है ना गाइड्स, ये सारी चीजें वर्ड्स होती है, हम्बल, रस्टिक, ऑर्डिनरी, कॉमन, ये गाइस जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स वर्थ के ऊपर जरूर अप्लाई होते हैं। देखिए वर्ड्स वर्थ पोएम मोस्टली डील विद गाइस, है ना, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, क्योंकि इनका खुद का मानना था कि हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट बेस्ट सब्जेक्ट गाइस, ऐसा इनका ही मानना था, डब्ल्यू डब्ल्यू का गाइस। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, दोस्तों अब आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चंस की देरी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सरल है लेकिन दोस्तों बहुत कॉमन आते हैं, और कई बार गलत भी हम लोग करते हैं, है ना। यस, सो रीडल माउंट, डॉब कॉटेज, एलन बैंक या फिर ग्रैसनर पर्सोनेज। सो गाइज बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, तो अपनी डेथ से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ कहां पर रह रहे थे, इसका आंसर आपको सभी को करना है, और बिल्कुल दोस्तों सभी लोग आंसर करते चलिएगा। यस ग्रेट, सुपर्ब गाइस, देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका ए, और रीडल माउंट में गाइस, रीडल माउंट जो है यहां पर लास्ट टाइम ये स्टे किया था इन्होंने, यही दोस्तों इनका करेक्ट आंसर है। डब क्वार्टर्स में गाइस जब ये जिंदा थे उस टाइम पीरियड में रहते थे, ग्रासमेयर में भी इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव कंप्लीटेड द टाइटल गाइज, यस कंप्लीट द टाइटल प्लीज, सो ये कंप्लीटेड नहीं, ये कंप्लीट द टाइटल, सो इट्स अ सॉलिटरी रीपर, इडियट बॉय, टिंटर्न एबी या डेफोडिल्स गाइज, 5 माइल्स अबव गाइज। देखिए इसका सही आंसर बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं गाइज, ये देखिए करेक्ट आंसर है सी, इट्स टिंटर्न एबी, माई यस लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स एबव फ्रॉम टिंटर्न एबी गाइड्स। या सो टिंटर्न एबी ये वो पोयम है जो 5 ईयर बैक और उस रिविजिट के बारे में इन्होंने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और दोस्तों टिंटर्न एबी में ही अपने आप को इन्होंने क्या कहा है, लवर ऑफ नेचर, यस लवर ऑफ नेचर, हिथर केम, ऐसा करके गाइज वर्ड आता है टिंटर्न एबी में, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर हैंड फुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, सो हुम एंड बाय हुम दिस लाइन यू नो गाइस इज, सो मैथ्यू अर्नोल्ड टू कॉलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन, वर्ड्सवर्थ टू सदे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, संभावित उत्तर गाइस, वैसे मुझे पता है कि आप संभावित संभावित में नहीं है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज करेंगे, और देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर के लिए आप लोग कौन सा आंसर चूज कर रहे हैं। सो हेयर इज द करेक्ट वन आंसर गाइस, करेक्ट आंसर इज बी, बी वाला आंसर दोस्तों यही सही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, यस ऑन वर्ड्स विद गाइस, फॉर हैंड
फुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस गाइज, है ना। लॉस्ट लीडर करके इनकी पोयम है, लॉस्ट लीडर, LEADER, है ना। यस, लॉस्ट लीडर, इसी वाली पोयम में इन्होंने ये बात कही है। विच वर्क ऑफ वर्ड्स वर पॉस्थमसली पब्लिश। दोस्तों इनमें से आप सही आंसर बिल्कुल जानते हैं कि पॉस्थमसली कौन सा हुआ था, यानी आफ्टर डेथ। जब राइटर की डेथ के बाद कोई वर्क पब्लिश होता है तो दोस्तों उसको एग्जैक्टली बोला जाता है कि वो क्या है गाइज, यस, वो पॉस्थमसली है। दोस्तों इसका आंसर होगा प्रिल्यूड, क्योंकि दोस्तों ये 1805 कंप्लीट, 1850 पब्लिश्ड, आफ्टर डेथ, मैरी हचिंसन यानी इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने दोस्तों इसे पब्लिश करवाया था। यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लीज। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज अनदर टाइटल। आपको पता है दोस्तों इसका आंसर, और विद इन 10 सेकेंड आप लोग बता दीजिए। ये देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए, प्रिल्यूड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इसे दोस्तों स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इसी को कहा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गाइस, और 14 बुक्स वाली ये गाइस लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जो एपिक लेंथ में है, याद रखिएगा एपिक लेंथ के साथ। एंड द प्रिल्यूड पब्लिश्ड इन, दोस्तों इसका आंसर आपको पता है कि 1850 में ये पब्लिश हुई थी प्रिल्यूड। इसमें कुछ भी नहीं सोचना गाइस, 1850 है ना। कई बार ट्रैपिंग आती है आपके लिए, तो बिल्कुल इसे पोयम टू कॉलरिज भी कहा जाता है। इन विच पोयम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। सो आई वंडर्ड लोनली में कहा है, या फिर द वर्ड इज टू मच विद अस में, द टेबल टर्न में कहा है, या सॉलिटरी रीपर में। दोस्तों किस वाले वर्क में इन्होंने ऐसी बात कही है, सही आंसर और सही उत्तर करते चलिएगा गाइस। बिल्कुल सही आंसर कौन सा है इसका, यस दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यही वाला जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बेसिकली द टेबल टर्न गाइस। टेबल टर्न कोटेशन के लिए बहुत ही फेमस है गाइस, बहुत ही फेमस है। और एक दोस्तों मैं लाइन आपको और बता दूं, उनको देख लीजिएगा कि वो कहां से लाइंस है। लाइंस है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइंस कहां से है, सॉरी मतलब कौन सी लाइंस है दोस्तों। वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ अ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। सो दोस्तों ये यस, तो मैं ये जानना चाहता था दोस्तों ये लाइंस किस पोयम की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ अ मैन। तो दोस्तों याद रखिएगा वो भी टेबल टर्न, यस द टेबल टर्न की ही लाइंस है। टेबल टर्न गाइस समझ लीजिए कि लाइंस के लिए इतनी फेमस है ये पोयम कि इससे एग्जाम में आने की संभावना बनती रहती है दोस्तों, है ना। द फ्रेज डार्क सैटेनिक मिल्स हैज बिकम द मोस्ट फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द, ये दोस्तों इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द फ्रेज वॉज यूज बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस कार्लाइल, या फिर जॉन रस्किन, या विलियम ब्लेक। गाइस जल्दी से बताइएगा सभी लोग, यस, वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ अ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। बहुत ही दोस्तों जबरदस्त पोयम है, हमेशा याद रखिएगा, और अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं, सुंदर भी गाइस, है ना। यस, सो देखिए करेक्ट आंसर के लिए दोस्तों आइए और चलते हैं, इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये वाला है, डी आंसर दोस्तों, विलियम ब्लेक ने ये डार्क सैटेनिक फ्रेज वर्ड गाइस, सैटेनिक मिल्स वर्ड यूज किया है, किसके डिस्क्रिप्शन को लेकर के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की है, तो कौन सी पोयम है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस पोयम में बात की है उस पोयम का नाम है दोस्तों क्या, वर्ड इज टू मच विद अस, वर्ड इज टू मच विद अस, टू मच विद अस। दोस्तों ये वो पोयम है,
ये उस पोयम का नाम है जहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में। देखें, ही हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल, हाउ डज यस सी हाउ विल द स्पीकर ऑफ सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल। सॉलिटरी रीपर का इस पोयम, और उसमें आपने देखा स्पीकर इज देयर, और स्पीकर उस यंग गर्ल को कैसे याद रखेगा, इस चीज के बारे में आप लोग मुझे बताएं प्लीज गाइस। यस करेक्ट आंसर प्लीज चलते करते चलिएगा दोस्तों। इसका देखिए करेक्ट वन आंसर है जो यस 83 का, 83 का आंसर होगा सी, He will carry her song in the heart, guys. Yes, ये वाला आंसर है। He will carry her song in his heart. Yes, the music in my heart I bore. ऐसी lines है ना guys? The music in my heart I bore, and that was heard no more. Something like ऐसा का guys expression आपको मिलता है solitary reaper में William Wordsworth के Highland Lash को लेकर के। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टेंजास आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। दोस्तों यहां पर चार है स्टेंजा, तीन स्टेंजा है, दो स्टेंजा है, एक स्टेंजा है, कितने स्टेंजा है गए, चलिए आंसर करते चलिएगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। 50 क्वेश्चन मैंने एक घंटे में गाइज, विद इन वन आवर में 50 क्वेश्चन आपके पूरे करूंगा, और मैं 50 बस नहीं बताता, आगे और पीछे बताता हूं, है ना। यस करेक्ट वन आंसर है दोस्तों, देयर आर टू स्टेंजास अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। एक बार दोस्तों इसे कंफर्म कीजिएगा कि क्या सच में दो ही स्टेंजा है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील में, कितने स्टेंजा है दोस्तों ये जानना जरूरी है, ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा। यस देयर आर ओनली टू स्टेंजास और 8 लाइन है गाइज, यानी टू क्वार्टेन्स आर देयर, है ना गाइज, टू क्वार्टेन्स आर देयर इक्वल टू 8 लाइन्स गाइज, है ना। यस चार चार लाइन के दो स्टेंजा है, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। यस गाइज, है ना, यही वाली पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। वॉट हैपेंड टू वर्ड्सवर्थ इन द ईयर 1843, 1843 में वर्ड्सवर्थ को क्या हुआ था गाइस, प्लीज जल्दी से, दो स्टेंजास हैं याद रखिएगा, मैंने कंफर्म कर लिया है, मैं देखिए बिना कंफर्म के कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें मुझसे गड़बड़ी हो जाए, और पता है उनमें गड़बड़ी कहां पर होती, जिनका डिटेल नहीं मिलता प्रॉपरली वहीं पर मुझसे गड़बड़ी होती है, बाकी ज्यादातर में अगर डिटेल अवेलेबल है तो वो नहीं होता गाइस। गॉट इट? यस, जब भी आपको शक लगे तुरंत रिव्यू कीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा कौन सा, सो वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड सदे एज इंग्लिश पोएट लॉरिएट गाइस। यस, इंग्लिश पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में, और 43 के बाद गाइस 1850 में डेथ, और डेथ के बाद टेनिशन भाई बने थे आपके। यस टेनिशन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन पोएट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड के, याद होगा आपको। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, अ फॉर्म दैट वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एलिजाबेथन थिएटर, इज ब्लैंक वर्ड्स राइम्ड और अनराइम्ड गाइस। ये राइम्ड होता है, अनराइम्ड होता है, दोनों टाइप हो सकता है, और राइम्ड अनराइम्ड कुछ भी नहीं होता। करेक्ट आंसर कौन सा है, सही चलिएगा प्लीज, 86 वाला करेक्ट आंसर, और चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए गाइस। यस दोस्तों 83 का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग याद रखिएगा जिंदगी भर गाइस। यस गॉट इट, सभी लोग जिंदगी भर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों अनराइम्ड, है ना। ब्लैंक वर्ड्स जो होती है गाइस ओनली एंड ओनली उसमें क्या होता है, मीटर, बट नो राइम, नो राइम गाइज, है ना, राइम अब्सेंट, मीटर इज देयर। और फ्री वर्ड्स में गाइज, फ्री मतलब टोटली फ्री, नो मीटर नो राइम, कुछ भी नहीं, सबको गोली मार दो, है ना। यस अनराइम्ड है, याद रखिएगा गाइज। और ब्लैंक वर्ड्स में आपका पैराडाइज लॉस्ट लिखा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है,
दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग. मिल्टन सेट ऑफ ऑन अ टूर ऑफ फ्रांस एंड इटली मीटिंग अनादर अनादर कल्चरल जाइंट हुज स्ट्रगल विद ब्लाइंडनेस प्रीफिगर्ड मिल्टन ऑन. हु वॉज इट? वॉल्टेयर, बैच, गैलीलियो एंड क्लेडरमन. कौन है दोस्तों, आंसर कर दीजिएगा यस. और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, गैलीलियो. गैलीलियो भाई ही गाइस करेक्ट आंसर हो सकता है और कोई नहीं. और गैलीलियो के गाइस टेलीस्कोप को इन्होंने अपने पैराडाइज लॉस्ट में यूज कर दिया है. पैराडाइज लॉस्ट में कब? जब सैटर्न की सील्ड को देखना था गाइस. कहा सैटर्न की सील्ड वैसी ही है जैसे गैलीलियो की टेलीस्कोप से. और अब ऑफ मून, जो मून है गाइस, तो मून की जो सतह है जो उसको देखा जा सकता है बस वैसे ही है. तो याद रखिएगा गैलीलियो. द 20th सेंचुरी हैज बीन लेस काइंड टू हिज मेमोरी. टी एस एलियट फाउंड हिज इमेजरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड कंसीडर्ड हिज वर्क नॉट सीरियस पोएट्री. गाइस देखिए, टी एस एलियट ने 20th सेंचुरी में उनकी पोइट्री को क्या कहा? नॉट सीरियस पोइट्री. याद रखिएगा दोस्तों, ये टी एस एलियट नॉट सीरियस पोइट्री. बट इट वॉज अनादर क्रिटिक हु अक्यूज्ड हिम ऑफ कैलसनेस टू द इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ इंग्लिश. दोस्तों ये दोनों बातें मिल्टन के लिए. लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो किसने दिया? एफ आर लेविस, ब्लूम, विलियम इम्सन या फिर मैरियेला फ्रॉस्ट्रॉप का? चलिए जल्दी से आंसर करते जाइएगा. यस प्रमोद, ये मैंने कहीं क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ठीक है? ये सारे न्यू क्वेश्चंस हैं. और अगर करवा दिए हैं तो भाई कोई अपराध नहीं है. मतलब ये समझिए, बाय द वे कोई क्वेश्चन करवा भी दिया है तो वो अपराध नहीं है दोस्तों. इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर है जो बेसिकली मैं कहूंगा दोस्तों ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. एक बार दोस्तों आप सर्च कीजिएगा प्लीज. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा संदेह होगा तो सर्च कर लीजिएगा गाइज. मुझे जहां तक संदेह है या शक है तो दोस्तों मैं कहूंगा ये ए आंसर इसका होना चाहिए, एफ आर लेविस को लेकर के. जहां तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लूम तो बिल्कुल नहीं है लेकिन एफ आर लेविस को लेकर के दोस्तों शक है मुझे. प्लीज एक बार अगर आपसे पॉसिबल हो तो इस क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा दोस्तों. ये मैंने एक वेबसाइट से लिया है और वहां पर आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, ठीक है? यस, सभी लोग स्क्रीनशॉट करके एक बार सर्च कर लीजिएगा और आंसर अपना कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है गाइज? यस. नेक्स्ट वन, इवन इन जॉन मिल्टन्स लाइफ टाइम पैराडाइज रिगेन्ड वॉज कंसीडर्ड इन लिटरेरी क्वालिटी एज लार्जली टू पैराडाइज लॉस्ट. सुपीरियर, इंफीरियर, इक्वल, इरेलेवेंट इन कंपैरिजन. चलिए दोस्तों सभी लोग आंसर कर दीजिएगा यस. करेक्ट वन आंसर दोस्तों करते चलिएगा और कर करके सभी लोग बता दीजिए आंसर गाइस. कौन सा? पैराडाइज रिगेन्ड वॉज कंसीडर्ड इन लिटरेरी क्वालिटी, पैराडाइज लॉस्ट इन कंपैरिजन टू पैराडाइज लॉस्ट. सुपीरियर, इंफीरियर, इक्वल, इरेलेवेंट इन कंपैरिजन. आंसर क्या है दोस्तों? देखिए 89 का बी है दोस्तों आंसर, इंफीरियर. देखिए मास्टरपीस है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट ग्रैंड स्टाइल मास्टरपीस आप सभी लोग जानते हैं गाइस. नॉट सुपीरियर, इंफीरियर. बहुत सारे लोगों ने सुपीरियर क्लिक कर दिया, नो, इंफीरियर गाइस. यस, द नेक्स्ट वन इज इन बुक 4 ऑफ पैराडाइज रिगेन. For his final temptation, Satan takes Jesus to what location? दोस्तों जो फोर्थ बुक है Paradise Regained की, उसमें जो final temptation है, उसमें Satan Jesus को लेकर के किस location में जाता है? The top of the Pantheon in Rome, the pinnacle of the temple in Jerusalem, the top of the mountain high, या फिर up to the middle region ऑफ थिक एयर. करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? 100% आएगा. यस, गॉट इट गाइस? सो देखिए बेसिकली करेक्ट वन आंसर होगा इसका बी, द पिनाकल ऑफ द टेम्पल इन जेरूसलम. जो लास्ट टेम्पटेशन था गाइस जीसस का वो जेरूसलम में था. करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसके लिए बी. एग्जैक्टली करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसका, ठीक है? नेक्स्ट वन,
What is the name of the angel often speaks to Adam in paradise? Michael, Raphael, Satan, Belial, guys. कौन है? जल्दी से आंसर हरी अप करके प्लीज. करेक्ट करेक्ट आंसर चूज करते चलो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. और बिल्कुल लगे रहो दम से, जितनी दम से गाइस. एक बार लाइक और शेयर तो आपने किया नहीं होगा, कर दीजिए अगर आपका मन कर रहा हो, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है और स्टूडेंट्स थोड़ा कम लग रहे हैं मुझे, है ना. यस करेक्ट वन आंसर दोस्तों इसके लिए होगा एग्जैक्टली राफेल. वो कैरेक्टर है राफेल. करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसका बी, जो कई बार आता है और एडम से बात करता है गाइस. यस बी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वन पर आ जाइए. अ नंबर ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स आर्ग्यू दैट व्हाट कैरेक्टर टू बी द फोर्थ यस प्रोटैगनिस्ट और हीरो ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. देखिए दोस्तों बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन और आप सभी लोग जानते हैं कितनी बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. एक बार अगर मन कर रहा होगा शेयर कर दीजिएगा. आज तो कम से कम 700-800 लाइक देख लेते, 1000 तो पूरा ही नहीं हुआ गाइस. यस तो ये कह रहा था गाइस ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना कि कौन हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का. ये ईव है, एडम है, गॉड है, सैटन है, भाई क्राइस्ट है. तो दोस्तों देखिए यहां पर जो आंसर आता है ज्यादातर लोगों के और खास करके रोमांटिक पोएट्स की अगर बात करें तो रोमांटिक पोएट्स ने कहा है सैटन इज द हीरो गाइस, है ना. बिल्कुल सबने कह दिया है कि सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट और इसीलिए दोस्तों हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे और इनकी बातों को हम सिरोधार्य करेंगे. ठीक है. यस डिबेटेबल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचिएगा नहीं, ज्यादा गणित मत लगाइएगा, परेशान मत होइएगा. जितना मिल रहा है रोमांटिक पोएट्स और रोमांटिक पोएट्स ने सैटन को माना है, ये बात बिल्कुल सही है. नेक्स्ट वन इन सैमसन एगनिस्ट द कैरेक्टर हु टेल्स अदर्स ऑफ सैमसन्स डेथ इज. दोस्तों सैमसन एगनिस्ट जो वर्क है इसमें एक कैरेक्टर है जो दूसरों को बताता है कि सैमसन की डेथ हो गई. ये मैनुआ है, डाली डेलिया है, या फिर कोरस है, या फिर एक मैसेंजर. कौन है दोस्तों प्लीज जल्दी से आंसर. निशी मिश्रा मैंने आपको बता दिया, अब क्या कंफर्म करें. मैंने कहा ना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ज्यादा टहलिएगा मत इधर उधर. साफ साफ लिखा था आंसर, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है आपको. बिल्कुल द नेक्स्ट वन गाइज ये है, देखिए और आंसर कर दीजिए. आंसर है दोस्तों इसका अ मैसेंजर. करेक्ट आंसर है दोस्तों अ मैसेंजर, जो बताता है गाइज कि किसकी डेथ हो गई है. सैमसन की डेथ हो चुकी है, एक मैसेंजर ने ये बात बताई थी. यस द नेक्स्ट वन कॉमस इज ऑफन सीन बाई क्रिटिक्स एज ए प्रोटोटाइप ऑफ वॉट कैरेक्टर ऑफ मिल्टन. दोस्तों बेल्जिबब का, सैटन, सैमसन का, सैटन का या एडम का, गाइस किसका प्रोटोटाइप माना गया है कॉमस को. आंसर कर दीजिए जल्दी से, करते चलो कमेंट बॉक्स में फास्ट, सुपर फास्ट गाइस. एक्सप्रेस बन जाइए और एक्सप्रेस बन करके चलते रहो, चलते रहो. सो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट वाला जो आंसर है वो है ये वाला गाइस. सैटन को प्रोटोटाइप माना गया है गाइस. किसको? कॉमस. कॉमस को सैटन का प्रोटोटाइप माना जाता है गाइस. यस गॉट इट. कॉमस इज ऑफन सीन बाय क्रिटिक्स एज प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट कैरेक्टर ऑफ मिल्टन. आंसर इज सैटन. सैटन का प्रोटोटाइप या सैटन की कॉपी गाइस कंसीडर किया जाता. इन बुक सिक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम इज टोल्ड बाय राफेल ऑफ व्हाट मेजर इवेंट. The envy of Saturn for creation of God, the fall of the rebel angels, A and B, या फिर इनमें से कोई नहीं गाइस. बहुत ही सोच समझ करके आंसर कीजिए, बहुत ही सोच समझ करके आंसर, क्योंकि दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना गाइस. यस गॉट इट ना. चलते रहो सभी लोग प्लीज. बहुत देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो बड़े कॉमन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, ए एंड बी. दोस्तों सही आंसर है आपके लिए ए एंड बी. ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों एडम इज टोल्ड बाय राफेल. सो राफेल ने एडम को बताया था
कि देखो एडम सावधान रहना, क्योंकि जो सैटर्न है वो गॉड के क्रिएशन यानी तुमसे एडम और ईव से नफरत करता है। और दूसरी चीज गाइस उसने ये भी बताया था कि गॉड और सैटर्न के बीच में फाइट हुई जिसमें गॉड ने थंडर बोल्ट मारा और उसके बाद जो ये यू नो गाइस सैटर्न और उसकी आर्मी जो है वो हार गई है और वो अब रिवेंज लेंगे। तो इसीलिए ए और बी सही। What British romantic author was particularly inspired by the work of John Milton? William Blake, Robert Sade, Robert Browning, T.S. Eliot. जल्दी से आंसर आप लोग यहां पर करेंगे, गजब का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल गाइस, यस। अरे कल आप लोग जब एग्जाम में होंगे मेरी आवाज आपके लिए गूंजेगी। By the grace of God हम बहुत अच्छा करेंगे गाइस, सब लोग आप बहुत अच्छा करेंगे। यस, आपके साथ भगवान है और आपकी एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन, पॉजिटिव ताकत है। ज्यादा मत आज परेशान होइएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो, बुक्स मत पलट पलट के फाड़ वाड़ डालिएगा भला। आज थोड़ा सा देखिए, जब भी दोस्तों एग्जाम की बात हो ना तो एग्जाम में मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा स्ट्रेस कम ले, थोड़ा स्ट्रेस कम करके पहले थोड़ा सा पढ़ाई अपनी छोड़ दे, कम से कम 7-8 घंटे पहले अपनी पढ़ाई छोड़ करके, और इसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि फिर मतलब रिलैक्स करें, माइंड को फ्रेशनेस दें। ऐसा नहीं कि लगे रहें, लगे हैं किताबें फाड़ डालें, ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों इसका आंसर है ए, विलियम ब्लेक करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है मिल्टन वाला गाइस, है ना। विलियम ब्लेक ने लिखा मिल्टन करके एक एपिक, और इसीलिए ये मिल्टन से बड़े प्रभावित थे। देखिए मिल्टन से दोस्तों कई सारे लोग प्रभावित थे, एक तो आपके ब्लेक हो गए, टेनिशन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, इन तीनों ने लिखा है मिल्टन के ऊपर, ये बात सभी लोग जानते हैं। ब्लेक ने लिखा है मिल्टन, टेनिशन ने भी मिल्टन लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने भी दोस्तों मिल्टन लिखा है, याद रखेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ व्हाट क्रिएशन इन ऑर्डर टू टेम्प्ट ईव टू ईट एट द ट्री ऑफ नॉलेज। अब ये दोस्तों इसका क्या आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, चलते चलिएगा गाइस, यस। और ब्लैक टी शर्ट पहन के जाइएगा गाइस, कोई नजर ना लगा दे आपकी प्रतिभा पर, कल ब्लैक टी शर्ट पहनिएगा। देखिए मैं ये पहन के रखता हूं और मैंने इसीलिए इस पे लिटरेचर लवर्स लिखवा लिया ताकि अब नजर ना लगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका बी, सरपेंट। इन फॉर्म ऑफ सरपेंट गाइस जो सैटर्न है वो जाता है, एंट्री मारता है गार्डन ऑफ ईडन में और बोलता है ईव से कि देखो मैंने जब ये फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया तो मैं बोलने लगा, और वहां से ही दोस्तों जो ईव है सबसे पहले ईव फ्रूट ऑफ नॉलेज को फिर ले लेती है, उसके बाद एडम भी ले लेता है, उसके बाद दोस्तों आफ्टर टेकिंग फ्रूट ऑफ नॉलेज सेक्स किया था उन्होंने सबसे पहला काम गाइज, और इसीलिए एक तरह से गाइज यू नो कर्स मिला था गॉड की तरफ से कि जो अब गर्ल्स होंगी उनको चाइल्ड बियरिंग करना पड़ेगा गाइज, यस आपको पता होना चाहिए। Yes. So, ये दोस्तों करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट वन, द थीम ऑफ एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज। दोस्तों थीम ऑफ एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स के एक्ट थ्री की थीम क्या है, पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस। गाइस सिल्वर बॉक्स के एक्ट थ्री की थीम क्या है गाइस, ये देखिए नंबर वन है ना, यस। अरे नजर ना आपको लगे ना मुझे लगे, किसी को नजर ना लगे, आप लोग एग्जाम में जाइएगा रॉक करिएगा, याद कीजिएगा राजवीर सर ने कौन कौन से आंसर बताए थे। यस, हे गाइस करेक्ट वन आंसर, यस सी आंसर है दोस्तों। बेसिकली जो एक्ट थर्ड है उसकी जो थीम है गाइस सिल्वर बॉक्स में वो है सिंपल सी गाइस, समझ लीजिएगा पॉलिटिक्स। बेसिकली गाइज जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लगे कि गलत है थीम ऑफ एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स, थीम ऑफ द एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स, तो दोस्तों जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जबरदस्त जो इंफॉर्मेशन जो भी मुझे मिला तो उसके अकॉर्डिंग गाइज यस, थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स इन एक्ट थ्री। दोस्तों मैं अपनी पीडीएफ में सर्च कर रहा हूं, सो यस देख लेते हैं क्या है थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स इन एक्ट थ्री। दोस्तों वैसे यस थीम जहां तक दोस्तों मुझे यही मिली थी बेसिकली, अगर कुछ गड़बड़ी हो इसमें तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज,
एक बार दोस्तों जरूर चेक कीजिएगा, या अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, वैसे मुझे जो मिला मैंने आंसर दे दिया आपको। यस, When was Galsworthy awarded Nobel Prize? दोस्तों इतना सरल क्वेश्चन है, पर देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 टाइम आपके एग्जाम में दोस्तों 4 टाइम आया था गाइज। यस, 4 टाइम गाइज, या 4 टाइम आपके एग्जाम में दोस्तों ये आया था बेसिकली अवार्डेड। देखिए आपको पता है 1932, सभी को दोस्तों पता है कि 1932 करेक्ट आंसर है। यस, 1932 बिल्कुल करेक्ट वन आंसर है इसका, कि 1932 में मिला था इनको नोबेल प्राइज। लेकिन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मुझे जरूरी था कि लास्ट टाइम में मैं आपको याद दिला दूं। आ जाइए नेक्स्ट वन पर। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, हु सेज। दोस्तों कॉक्शन अबाउट फादर, कॉक्शन अबाउट रुथ हनीवेल, ए एंड बी दोनों के लिए है गाइस। कॉक्शन ने फादर और रुथ हनीवेल दोनों के लिए कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस वाले का आंसर चलते चलो और जल्दी से हरी अप गाइस। यस, हाँ सब लोग देखिए जानते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम जल्दीबाजी में गलत मार देते हैं, तो गलत मत कीजिएगा, ये मेरा कहना गाइस। ए आंसर है इसका, कॉक्शन ने फाल्डर के लिए गाइस ये स्टेटमेंट दिया था, समझ रहे हैं, कॉक्शन ने फाल्डर के लिए गाइस यस करेक्ट वन आंसर दिया था, गॉट इट ना गाइस। यस, नेक्स्ट वन देखिए, थोड़ा सा देखिए कि जो जस्टिस वर्क है आपका, जो दोस्तों आपका जस्टिस वर्क है गाल्सवर्दी का, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी। और एक काम कर लीजिए सभी लोग, जितने लोग भी मुझे इस समय देख रहे हैं, एक बार दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जस्टिस वाले इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट करने के बाद इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चलेंगी और आप काफी सारी चीजों से गाइज बिल्कुल अवेयर होंगे। जस्टिस प्ले बाय जॉन गाल्सवर्थी, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए बस। नेक्स्ट वन पर आइए गाइज, लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, दोस्तों है तो सरल, लेकिन देखिए आपके टीजीटी एग्जाम में 3 बार दोस्तों कंटिन्यूअसली है, देखिए 2001, 2004 और 2013 बीच में नहीं आया गाइज आपके एग्जाम में, तो इसीलिए संभावना मानिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। गाइज आंसर क्या होगा इसका, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का। हरी अप करके जल्दी से दोस्तों प्लीज, करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन इज, दोस्तों देखिए इसका आंसर है जो ये मास्क है, सभी लोग जानते हैं गाइज, 100% बिल्कुल सही आंसर करेंगे, क्योंकि मास्क ही करेक्ट आंसर है और कुछ भी नहीं गाइज, है ना। क्योंकि जैसे एन एपिक की अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट और रिगेन है, पैस्टोरल एलिजी की बात करें वो लिसिडस है, सोनेट की बात करें गाइज तो सोनेट भी कई सारी लिखा, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट, नेटिविटी एंड ऑल। पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, मुझे पता है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसके दो आंसर बन सकते हैं आपके लिए। देखिए कैसे, अगर 1667 पूछता है तो 1667 में दोस्तों इसके कितने पार्ट थे, तो 10 पार्ट थे बेसिकली। लेकिन दोस्तों अगर 1674 की बात कर दे तो आंसर आप करेंगे 12 बुक्स में था गाइस इनिशियली, ये लिखा ये समझ पा रहे ना, इनिशियली गाइज ये 10 बुक्स में था लेकिन 12 बुक्स बाद में हो गई, कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा डायरेक्टली गाइज, ठीक है। यस, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए लिखा पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस बुक्स, कितनी बुक्स हैं अभी, तो 12 बुक्स हैं, ए आंसर आएगा 12 बुक्स हैं अभी, है ना। यस, लेकिन ईयर अगर दे दे तो ईयर के साथ याद रख लीजिएगा सभी लोग, ईयर के साथ नो कंफ्यूजन गाइज, ईयर के साथ नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन देखिए, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, देखिए मिल्टन और गैलीलियो, गैलीलियो भी ब्लाइंड हो गए थे गाइज और मिल्टन, आंसर है दोस्तों यहां पर 44, और अगर दोस्तों ऐसे बात करें तो 1652 का टाइम पीरियड दोस्तों याद आएगा आपको, 1652 में दोस्तों ये टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, और ब्लाइंड स्टेट में दोस्तों कई लोगों ने इनको राइट करने में हेल्प की थी, याद रखिएगा दोस्तों। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते हैं। और दोस्तों इस ब्लाइंडनेस के बारे में एक इनकी पोयम है,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये वाली जो दोस्तों पोयम है, इस पोयम में इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस का जिक्र किया है। बट ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एक सोनेट है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ लीजिएगा, उसकी लाइन इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना। यस, देन आगे आप चलेंगे गाइज, यस आगे आप देखिएगा, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। देखिए पोइटिक स्टाइल जो मिल्टन का है गाइज, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल याद है दोस्तों कि ये कौन सा स्टाइल है। दोस्तों इसके लिए ग्रैंड स्टाइल है इनका, ग्रैंड स्टाइल है मिल्टन का, है ना। और इस ग्रैंड स्टाइल के बारे में बताया था आपके मैथ्यू भाई ने, मैथ्यू भाई वॉज द मैन जिन्होंने इस ग्रैंड स्टाइल के बारे में बताया था। बिल्कुल रणवीर सिंह, एंड्रू मार्वेल और उनकी डॉटर ने हेल्प किया था, बिल्कुल सही है रणवीर आप, और रणवीर आपके लिए मेरी तरफ से एक टाइटल गाइज, यस ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल भी दूसरे ने किसी दिया था। कमेंट बॉक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है, गजब गाइज, आप लोग सभी भगवान की कृपा से बिल्कुल क्वालिफाई करें ऐसी मेरी उम्मीद है गाइज। ग्रैंड स्टाइल और मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड को याद रखिएगा, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन को टच स्टोन में भी शामिल किया है गाइज, टच स्टोन है ना, टच स्टोन जो मैथ्यू अर्नोल्ड का है उसमें भी मिल्टन की लाइंस को शामिल किया है, याद रखेंगे उसमें भी मिल्टन की लाइंस को शामिल किया है किसने, अर्नोल्ड ने। When was Paradise Lost completed by Milton? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कंप्लीट कब हुआ। देखिए दोस्तों अगर बात किया जाए कंप्लीट होने की, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ा कंफ्यूजन गाइज आपको, जस्ट ईयर का डिफरेंस क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पैराडाइज जो लॉस्ट है ना ये कंप्लीट कब हुआ था गाइज, 105 वाला आंसर मुझे मिल नहीं रहा, जल्दी से आंसर कर दीजिए प्लीज। यस देखिए कितने सारे लोगों ने डी 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 कर डाला, नहीं गाइज गलत है आप, जिन लोगों ने 1667 सिलेक्ट किया है वो टोटली रॉन्ग है, आप लोग टोटली गलत, ठीक है गाइज, ये 1665 में कंप्लीट हुआ था पैराडाइज लॉस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यस 1665 में दोस्तों ये कंप्लीट, प्रीफेस लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में थॉमस ग्रे की गाइज यू नो एक एलिजी जिसका नाम है गाइज ऑन डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, रिचार्ड वेस्ट ग्रे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो उनकी एलिजी को एनालाइज किया है। और यहां पर दोस्तों जो थॉमस ग्रे की बात आ रही है, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइन, तो दोस्तों ये मिल्टन के लिए है, ही वॉज नॉर द सेकेंड हु रोड सबलाइन, क्योंकि दोस्तों होमर वर्जिल ये लोग पहले थे जिन लोगों ने गाइस, गॉट इट, यस जिन लोगों ने पहले भी इसके पहले गाइस, है ना, यस गॉट इट गाइस, या सो समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, कि ये होमर और वर्जिल एंड ऑल से मिल्टन ने ही पैटर्न लिया था, तो इनके बारे में सेकेंड इसीलिए गाइस कंसीडर किया। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वॉज 24 ईयर, 21 ईयर, 26 ईयर या 35 ईयर। दोस्तों ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी है ना गाइस, तो देखिए इसका ये फॉर्म याद रखिएगा, दिस इज एन ओड, गॉट इट, दिस इज एन ओड, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी अर्लियर टाइम पीरियड में इन्होंने लिखा था, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका बी, यानी कि 21 ईयर ओल्ड गाइज ही वॉज, हाउ मेनी ईयर ओल्ड ही वॉज गाइज यू नो 21 ईयर ओल्ड, 25th ऑफ दिसंबर 1629, गॉट इट, 1629 बाय द वे। नेक्स्ट वन पर चलेंगे, देखिए In tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poetry invokes a major poet as follows. Nor second he that wrote sublime. तो दोस्तों देख लीजिए, फिर से इसी क्वेश्चन को सेम रिपीट किया जाता है। ये दोस्तों थॉमस ग्रे के प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री से ये पार्ट है, याद रखेंगे, नॉर सेकेंड। सो दोस्तों यहां पर आंसर आपको पता है, अभी मैंने पिछला वाला ये वाला क्वेश्चन कराया ना, सेम क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में 6 से 7 बार पूछा गया है, और दोस्तों आंसर इसका है मिल्टन, आप सभी लोग जानते हैं जॉन मिल्टन इज करेक्ट वन आंसर, गॉट इट, यस।
पसीना छूट गया गाइस। सो जॉन मिल्टन इज करेक्ट वन आंसर, अगर आप देख पा रहे हैं गाइस, है ना। बिल्कुल, प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री है। 6-7 बार किसी क्वेश्चन के आने का मतलब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की टोटल नंबर ऑफ पोएम्स या सोनेट्स कितनी है। सो सोनेट्स की गाइस जैसे ही बात आती है 154 आपके माइंड में एग्जैक्टली आ जाता है, और इसका आंसर डी है। लेकिन ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में रन कर चुका है। इवन मैं आपको बता दूंगा इसकी राइमिंग स्कीम भी होता क्या, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे कभी कभार, हम लोग गलत कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों से आपका स्कोर हायर होता है। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन, तो दोस्तों ये किस वर्क में है, किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में, जूलियस सीजर। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पता होगा, लेकिन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग मेरी बात ये मान लीजिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंसर है किंग लियर। बोला किसने है दोस्तों, तो एडगर ने ग्लूसेस्टर से ये स्टेटमेंट बोला था। दूसरी बात दोस्तों, ये एक्ट फाइव और सीन टू की बात है, एक्ट फाइव और सीन SCENE 2 की बात है। गॉट इट ना गाइज, एक्ट फाइव और सीन टू की बात है, याद रख लीजिएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। सो एडगर टू ग्लूसेस्टर, किंग लियर गाइस, एंड राइपनेस इज ऑल। राइपनेस इज ऑल दोस्तों, यही करेक्ट वन आंसर है। ओके, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप देखें प्लीज, इन एज यू लाइक इट। दोस्तों ये वाला आंसर आप सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर से है। 111 नंबर क्वेश्चन गाइस, आप सभी लोग इसका भी आंसर जानते होंगे, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। पहली बात तो मैं दो सिमिलरिटी बता दूं आपको, एक मैकबेथ में भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन स्टेज। सो दोस्तों स्टेज वाली बात जो है वो मैकबेथ में भी आती है। गॉट इट गाइस? यस, जो फाइनल फाइट होने वाली है ना, मैकबेथ और मैकडफ की फाइनल वाली जो फाइट है, मैकबेथ और मैकडफ की गाइस, MAC एंड मैकडफ। So, दोस्तों इनकी जो फाइनल फाइट होने वाली है वहां पर ये लाइंस आती है। ये दोस्तों जो लाइंस हैं यहां पर एसोसिएटेड हैं ये जैक्स टू ड्यूक सीनियर गाइस। एज यू लाइक इट में जैक्स ने ड्यूक सीनियर से ये बात कही है, और एक्ट टू है, सीन गाइस कौन सा है, सीन 7। देखिए ये वो चीजें हैं जो घुमा करके पूछ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। जैक्स टू ड्यूक सीनियर, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, और दोस्तों एक्ट 2 सीन 7 यानी 27 याद रखिएगा, और कहां से, एज यू लाइक इट से याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि रिपीट होते रहते हैं। वीनस एंड एडनिस, तो दोस्तों आपको पता है कि वीनस एंड एडनिस शेक्सपियर की है, इसमें कुछ नहीं सोचना, लेकिन ये कई बार दोस्तों आपके लिए रिपीट किया जाता है गाइज, याद रखिएगा। ठीक है, यस। और इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, शेक्सपियर वॉज बोर्न। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, और आंसर है दोस्तों 1564 का वो टाइम पीरियड जब विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था गाइस, 1564। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आता है, इसको भी आप रट जाएंगे, याद रखेंगे गाइस। जैसे देखिए लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन, दोस्तों देखिए लिरिकल बैलेट कब पब्लिश्ड हुआ, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, लिरिकल बैलेट कब पब्लिश्ड हुआ, 1798। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पहली बार कब आया, 1800 गाइज। इसके लिए देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1798, लेकिन 1800 कब होगा, जब प्रीफेस एड कर दिया जाएगा, वर्ल्ड प्रीफेस अगर आ गया समझिए कि वो 1800 हो जाएगा, पोइटिक डिक्शन आ जाएगा समझ लीजिए वो 1800 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल गाइस। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, कौन सा ऐसा पोएट है जिसने कहा कि पोएट्री एक इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स है। एजरा पाउंड ने दोस्तों ये वाली बात कही है, पोएट्री इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स गाइज, है ना। यस, सो पाउंड ने मैथमेटिक्स कहा है, याद रख लीजिएगा गाइज। पीएम आपका जो पेपर है वो पीएम में होने वाला है,
यानी पोइट्री क्या है गाइज, वो मैथमेटिक्स है। किसने कहा था? पाउंड ने मैथमेटिक्स कहा था, इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। इसके बाद आगे का देखें, अ मीटर इन विच एन अनएसेंटेड सिलेबल प्रिसीड एसेंटेड इज कॉल्ड। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है, और मैं दोस्तों आपको बता दूं, नॉट ओनली टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएसबी एनवीएस एवीएस, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये रिपीट होता है, और आप इसको जानते होंगे, यूएस और एस यू। यानी दोस्तों आप जानते हैं आयम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, और इसका जो अपोजिट होता है वो है आई डी, यानी डैक्लिक गाइड्स। सो ये जो डैक्लिक है सो इसका है एस यू, याद रख लीजिएगा दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा याद रखिएगा। आंसर है दोस्तों अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, यानी कि आयम्बिक। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड मतलब 100% गाइस आयम्बिक, है ना? यस, गॉट इट। एंड देन नेक्स्ट वन पर आ जाइएगा प्लीज। नेक्स्ट वन, अ टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। देखिए दोस्तों आप कितने एग्जाम्स में आया है, दिसंबर, यूजीसी नेट, पीजीटी, डीएसएसबी, पीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये आता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। तो देखिए इसका आंसर होता है विलियम जेम्स। सभी लोग जानते होंगे आप दोस्तों, है ना? यस, सो दिस इज विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस किसमें दिया था? विलियम जेम्स का वर्क है दोस्तों प्रिंसिप, PRINCI, NCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी गाइज, है ना? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी गाइज, यस, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ने। और इसको यूज किसने किया था? वर्जीनिया वुल्फ, टीएस एलियट, ऐसे लोगों ने दोस्तों यूज किया, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, टीएस एलियट है, और भी दोस्तों जैसे जेम्स जॉयस हैं आपके, है ना, जेम्स जॉयस, इन लोगों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक को यूज किया है अपने वर्क्स में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ठीक है? यस दोस्तों, यहां पर एक और नाम है गर्ट्रूड स्टाइन। बाय द वे देखिए एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता, भगवान इसका मालिक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये किसके लिए है? लॉस्ट जनरेशन के लिए। लॉस्ट जनरेशन टर्म दिया था गर्ट्रूड स्टाइन ने, फेमस किया था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, है ना गाइस? EH, अर्नेस्ट, HEMING, हेमिंगवे। सो हेमिंगवे ने दोस्तों इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, किसको? लॉस्ट जनरेशन को गाइस, है ना? और डोरथी रिचार्डसन भी दोस्तों आपके लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के लिए ही जानी जाती हैं, सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यस, फॉल्कनर ने भी साउंड एंड फ्यूरी में यूज किया है, सही है गाइस। देखिए एनग्नोसिस, दोस्तों ये जानते हैं शेक्सपियर का टर्म, सॉरी अरिस्टोटल का टर्म है गाइस, जो अरिस्टोटल ने थियोरी ऑफ ट्रेजेडी दी है, पोइटिक्स में तमाम सारी चीजें डिस्कस की है ना। सो एनग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट? दोस्तों इसके लिए प्लीज आंसर कर दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि पानी भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो एग्जैक्टली कौन सा है? यस, 7 PM मेरी क्लास अनअकैडमी पर भी होगी, आपको बताई है गाइस, 7 PM अनअकैडमी पर लेने वाला हूं। दोस्तों इसका देखिए आंसर कौन सा है? बेसिकली दोस्तों आंसर है इसका ए, यस, मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सिचुएशन। ये समझ लीजिए कि अरिस्टोटल के जो ऐसे टर्म हैं हर एक एग्जाम में पीछे पड़े रहते हैं, आप खुद देख लीजिए, यूजीसी नेट, पीजीटी, एनवीएस, है ना, ये देखिए सारे एग्जाम्स में पीछे पड़े रहते हैं। तो अरिस्टोटल के टर्म्स, प्लॉट, है ना गाइस, कैरेक्टर डिक्शन एंड ऑन एलिमेंट्स की जो बात की उन्होंने, है ना, यूनिटीज की जो बात की, उन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बस। स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोयम, तो दोस्तों आपको आंसर पता है 14 लाइन की होती है, अगर वो कर्टेल सोनेट है तो वो 10 एंड हाफ लाइन तब वो कर्टेल सोनेट हो सकती, बाकी सारी सोनेट्स गाइड, चाहे वो पेट्राकन हो, शेक्सपीरियन हो, मिल्टोनिक हो, स्पेंसरियन हो, सारी सोनेट्स गाइज 14 लाइन्स वाली ही होती हैं। एग्जैक्टली दोस्तों आपको ये बात पता है। देखिए 7 लाइन स्टेंजा, यहां पर आंसर भी दिया हुआ दोस्तों, 7 लाइन स्टेंजा है क्या? देखिए 7 लाइन स्टेंजा, इसके लिए मैंने SROS, आज एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज दोस्तों, ये 6, 7, 8, 9 वाली बात मैंने
आपको कई बार बताई है, आज एक बार और जान लीजिए, भगवान करे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, है ना। देखिए, सिक्स लाइन मतलब सेस्टेट, सेवन लाइन मतलब राइम रॉयल, एट लाइन मतलब पटवा रिमा एंड अटवा रिमा या फिर ऑक्टेव बोल सकते हैं गाइस, एंड नाइन लाइन स्टेंसरियन स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखा सेवन लाइन स्टेंजा, आंसर है राइम रॉयल। ये देखिए आर मतलब सेवन, यही दिया हुआ है ना गाइस। बहुत बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं और क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, फिर भी हमेशा याद रखिएगा गाइस, है ना। बिल्कुल, जैसे लिमरिक को लेकर के आ जाता है, हमेशा याद रखिएगा गाइस। यस गॉट इट। एंड देन वी हैव हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोइटिक जस्टिस। दोस्तों ये वो टर्म है जो कंफ्यूज बहुत करता है, पोइटिक जस्टिस। बाय द वे, यहां पर शेक्सपियर अगर काट दिया जाए, यहां पर एसी ब्राडली अगर कर दिया जाए, तो दोस्तों और भी कंफ्यूज करता है। देखिए पोइटिक जस्टिस, ये जो टर्म है पोइटिक जस्टिस, आप सभी को गाइस पता होगा। यस सो दोस्तों देखिए, इसका जो आंसर, आंसर में सेवन दे रखा है सर, क्या मैंने सेवन दे रखा है? सेवन लाइन स्टेंजा यूज बाय मिडिवल पोएट इज नोन एज, तो राइम रॉयल ही तो है, क्या गड़बड़ हुआ? कहां पांच देख रखा है? अरे यार, एस आर ओ एस, मुझे को अब ज्ञान देने लगे सब लोग आप, है ना। सिक्स सेवन एट नाइन, ये ऐसा है, इसको ये याद रखिएगा, वो पैटर्न मत देखिएगा, गलत सलत मत पढ़ लीजिएगा फालतू में, कि फिर बाद में मुझे दोष देने लगे। सो देखिए करेक्ट आंसर बेसिकली ये जो सी लिखा हुआ है, अरे इसको तेल लेने जाने दीजिए, मैं बता रहा हूं ना सेवन लाइन, ये राइम रॉयल है, उसमें कुछ भी दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, वो साइड में से कर दीजिए, गलतियां हो जाती, मिस्टेक है, टाइपिंग वाली मिस्टेक। सो दोस्तों इसमें से राइमर को देखिए, टॉमस राइमर ने दोस्तों पोइटिक जस्टिस नाम का टर्म दिया। पोइटिक जस्टिस इज एसोसिएटेड विद टॉमस राइमर। अरे वो टिक रहने दी, कभी कभी गलतियां हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपो है, मैं तो सही बता रहा हूं ना बोल करके आपको। यस अरे ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, अरे माफ कीजिए देवियों और सज्जनों, आज पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल एनर्जी नहीं रह गई सच में, अभी मुझे तीन क्लासेस और लेनी है, तीन क्लासेस, और एनर्जी बिल्कुल नहीं रह गई, सब आप लोगों ने धुआं कर, और अभी और कुछ क्वेश्चन बचे, मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा करके ही जाऊं मैं गाइज, है ना। यस बिल्कुल मिल जाएगा गाइज। तो देखिए टॉमस राइमर हमेशा याद रखिएगा, चाहे कॉलरिज दे, बड़ा कंफ्यूज करता है, कॉलरिज एसी ब्राडली देकर के ऑप्शन। यस देखिए इसके बाद नेक्स्ट वन है यूजिंग एक्सप्रेशन क्राउन। दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजिंग कई बार आ जाता है, मेटोनमी एंड साइनेक डकी, है ना। सो दोस्तों जैसे ही साइनेक डकी की बात आती है, साइनेक डकी मींस गाइड्स पार्ट प्रेजेंट्स होल एंड होल प्रेजेंट्स पार्ट, और अगर मेटोनमी की बात आएगी गाइड्स, सो यस समथिंग दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद समथिंग, जैसे किंग के साथ गाइज क्राउन, है ना। यस बिना मुकुट का राजा नहीं होता ना गाइज। यस गॉट इट। या अरे ब्रश रस कर लीजिए देवी, बीमार मत हो जाइएगा, है ना, एग्जाम के चक्कर में हमने ब्रश नहीं किया, साल भर जो पढ़ता है, जो हर दिन पढ़ता रहता है, परफॉर्मेंस वही जबरदस्त होती है, वन नाइट फाइट कमजोर हो जाती है, ठीक है, ब्रश व्रश कर लीजिए, बीमार मत हो जाइए, कल पता चले कि बीमार होकर के टहल नहीं। वॉट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। सो दोस्तों ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, सबसे ज्यादा दोस्तों आपके एग्जाम में, देखिए एक तो बहुत ही सरल सिमली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, दूसरा हाइपरबोल सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अपोस्ट्रॉफी एंड ऑल से भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा गाइज, है ना। यस देखिए दोस्तों इसका करेक्ट वन आंसर है, प्लीज यस करेक्ट वन आंसर है दोस्तों सी, हाइपर बोल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दीज लिटिल हैंड। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑल द परफ्यूम्स गाइस, बहुत बड़े कंपैरिजन, यानी कि हाइपर बोल है, हाइपर हो गया है स्टेटमेंट। एंड वॉट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा गाइस? आंसर होना चाहिए परसोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, मेटाफर या इंप्लाइड सिमली। हे कौन सा आंसर है इस वाले का? यस अंजू लता, तो आज ब्रश तो कर लीजिए अंजू, आज तो ब्रश कर लीजिए देवी, 3 साल से पढ़ रही हैं।
ब्रश नहीं करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पता चले आप बीमार हो गई तो फिर क्या हो। यस सो दोस्तों इसका देखिए करेक्ट आंसर है ए परसोनिफिकेशन, लेट नॉट ए मीसन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। गाइस ये एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड ग्रे की पोयम से है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड ग्रे गाइस है ना। यस गॉट इट। अरे आलिया खान मैं क्या करूंगा टीजीटी क्लियर करके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप लोग क्लियर कर लीजिए, और मेरा सब भगवान मालिक है मेरा, मेरे लिए ना परेशान। दोस्तों चार्ल्स डार्विन के इस वर्क को लास्ट टाइम याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जानते हैं दोस्तों आप वैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन का वर्क है, और आया कब था 1859 में विक्टोरियन टाइम पीरियड में गाइस, विक्टोरियन टाइम पीरियड में। बिल्कुल गॉट इट ना गाइस, यस क्लियर है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे देखें, द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड। तो दोस्तों देखिए कब, सो दोस्तों 1652, 40, 42, 60 कब जो है थिएटर बंद हो गया था गाइस। यस अर्चना मिश्रा कल एग्जाम है, कल एग्जाम दीजिए, बाद में मिलेंगे आप सबसे है ना, एग्जाम के बाद आपकी खबर दूंगा। और आज जो भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज भेजने वाला हूं थोड़ी ही देर में, एक टेस्ट सीरीज 2.5 घंटे दे करके कर लीजिएगा जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा आप सबको, बिल्कुल आनंद आ जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी 1642, और ड्रामा एक बार और बैन हुआ था गाइस कब, जब विलियम शेक्सपियर थे 1592 के टाइम पीरियड में प्लेग आ गया था, तब भी तो ड्रामा बैन हुआ था ना, ड्रामा मतलब थिएटर क्लोज हो गए थे, ड्रामा नहीं बैन हुआ था, थिएटर क्लोज हो गए थे, ऐसा कहा जाएगा कि जो थिएटर थे वो क्लोज हो गए थे है ना। यस सो उस समय की बात अलग थी। तो दोस्तों बस ये क्वेश्चंस थे मेरे जो बस मैंने गाइस आपको आज दिखाए हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं चाहता हूं कि आप जरूर सक्सेस हो। और हाँ स्ट्रेस मत लीजिएगा यार ज्यादा, मत आज परेशान मत होइएगा बहुत ज्यादा, लिमिटेड पढ़िएगा। पेड स्टूडेंट्स को मैं एक टेस्ट सीरीज भेज रहा हूँ टीजीटी वाली, उस टेस्ट सीरीज को आप टाइम लगा करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका स्कोर हो कैसा भी स्कोर हो डजंट मैटर, बी होपफुल और हमेशा गाइस पॉजिटिव आइडियाज के साथ चलिएगा। बिल्कुल, और इतने अच्छे पॉजिटिव आइडियाज के साथ चलिएगा कि आपका भगवान कल्याण कर सके है ना, और सबके साथ गाइस भगवान है, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। रही बात मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर आप टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई हैं, और हाँ 7 बजे दोस्तों मेरी क्लास भी होगी अन अकेडमी पर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा वहां पर, जरूर आइएगा 7 बजे वाली मेरी क्लास में जो अन अकेडमी पर होगी दोस्तों आपके लिए। और अन अकेडमी के लिए करना क्या होता है, सो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके AKS राजवीर ये कोड यूज करके आप लोग मेरी फ्री क्लास को देख सकते हैं ठीक है। और दोस्तों साथ में मैं आपको गुड लक भी बोले दे रहा हूं, आपको गुड लक, भगवान आपकी रक्षा करें, माता पिता से अपने आशीर्वाद लीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा और लेट्स क्रैक इट वाली भावना के साथ, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ज्यादातर जो हमारे सिलेक्शन रुकते हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार हम कंफ्यूज होकर के आंसर देते हैं, तो जब अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो पहले ये देखिएगा कि पहला ऑप्शन आपके माइंड में कौन सा आ रहा है, जो सही ऑप्शन होता है ज्यादातर हम उसी की तरफ चले जाते हैं ठीक है, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। और बिल्कुल दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, रही मेरे टीजीटी और पीजीटी की बात तो सब आप लोगों का दोस्तों आशीर्वाद है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पर पूरे UGC नेट कोर्स, और आपके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का आपका एग्जाम होता है सेट एग्जाम के कोर्सेस वो सब मेरे चलते हैं दोस्तों, और टीजीटी पीजीटी पेड कोर्सेस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें दोस्तों बस यही मेरी अर्निंग के स्रोत भी हैं, साधन भी हैं, और यही एक तरीका है कि मैं ऐसे रह सकता हूँ। बाय द वे ना ही मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, और ना ही दोस्तों कि मतलब टीजीटी पीजीटी एंड ऑल एग्जाम में मेरा बैठने का वैसे मन भी नहीं करता कि मैं क्या करूंगा बैठ करके, UGC नेट वही क्वालिफाई हूँ, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके माता पिता के आशीर्वाद से वही क्वालिफाई हूँ, और उसी के साथ बहुत हैप्पी रहता हूँ और वही पढ़ाता हूँ, सारे स्टूडेंट्स प्रसन्न रहते हैं मुझसे, खुश रहते हैं गाइस।
सभी को दोस्तों यस सर जी हमें भी भेज दो टेस्ट। दोस्तों देखिए सभी के लिए एक बार ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और कल जय जो भी क्वेश्चंस आएंगे गाइस, आप अगर क्वेश्चन पेपर तो वैसे मिलता ही है, शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं क्या क्या सॉल्यूशन आ पाते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन दे पाते हैं गाइस। यस सभी को दे दे टेस्ट सीरीज, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, अगर पेड स्टूडेंट्स कह दें कि सभी को दे दीजिए शर्त, तो मैं दे दूंगा। हे एवरीवन, जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं, अगर सब लोग कहते हैं कि हाँ सर सभी को दे दीजिए, तो मैं देने के लिए रेडी है। कोई मेरा पेड स्टूडेंट जो यहां पर हो, मुझे वॉच कर रहा हो, एक बार कहे प्लीज। चलिए सभी को दे दीजिए टेस्ट सीरीज। और चलिए आइए गाइस, वैसे मेरी टी शर्ट ठीक है ना, और लिटरेचर लवर से लोगो भी बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो। या सो साक्षी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस गाइस बेस्ट ऑफ लक, ज्योत्सना मौर्या सृष्टि सर दे दीजिए, ऑल द बेस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पर। क्या यू ऑल विल क्रैक द एग्जाम डेफिनेटली, श्योर गाइस। तो अब चलिए चलते हैं इस क्लास को। देखिए मैंने वैसे जितनी भी दोस्तों मुझसे कोशिश हो सकती थी, इस बात का बुरा मत मानिएगा, जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकती थी वो मैंने बहुत अच्छे से किया, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो फ्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और पेड कोर्सेस चलाना मतलब ये समझ लीजिए कि जिंदगी को चलाने जैसा, चाहिए होता है थोड़ा सा मोरल सपोर्ट, थोड़ा सा पैसों का सपोर्ट, सो दैट कि हम ये सारे काम कर सके। और अगर अगली वैकेंसी आएगी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गाइस, यस हम सभी गाइस फिर से मिलेंगे एक अगली वैकेंसी में। लेकिन जो लोग क्वालिफाई हो चुके होंगे वो लोग नहीं मिलेंगे, और जो नहीं क्वालिफाई होंगे तो देखिए वैसे निगेटिविटी नहीं होना चाहिए, बेस्ट अपना देने की जरूरत होती है। बाकी अगर ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो पीजीटी वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपसे, ये मैं कह सकता हूं कि एक अगले बैच में मिलेंगे दोस्तों। जो पीजीटी वाला होगा, पीजीटी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पीजीटी के लिए एक बार गाइड करूंगा। और जब पीजीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए दोस्तों अगले बैच में मैं आपको गाइड करता हुआ मिलूंगा, ठीक है। यस फिर टेस्ट सीरीज केवल पेड स्टूडेंट के लिए। आकांक्षा दीक्षित, पापी पेट का सवाल है, मैंने एक दिन कहा था कि ये सब पापी पेट का सवाल है। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि पापी पेट के बिना क्या होता है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पेट को पालने के लिए जरूरी है, पेट को पालने के लिए कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी दिए जाएं। बाकी सब लोग आप दुआ कीजिएगा कि मैं भी स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, बिंदास रहूं, और आप भी अच्छे रहें। चलें गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक। श्योर गाइस, जो लोग भी क्वालिफाई होकर के आते हैं, सब लोग आप मेरे साथ पढ़ा सकते हैं, ये आपका चैनल है, लिटरेचर लवर्स को डेडिकेटेड है गाइस, बिल्कुल। थैंक यू गाइस, और चलते हैं इस क्लास को बंद करते हैं हम लोग अब, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मेरी दूसरी क्लासेस मेरा वेट कर रही है, यूजीसी नेट की क्लास लेने वाला हूं। और जिन लोगों ने देखिए अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने आज तक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ना शेयर किया हो, ये मेरा एक टीचर का हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है कि आज इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। बाकी चलता हूं मैं दोस्तों, है ना। यस ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, और आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय गाइस।